नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। हाय सर। हाय। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम साउंड एंड एक्टर है। कहाँ से आए हो आप? मैं बहुत दूर से आया हूँ मैम, मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ मैम, प्लीज मुझे मौका दीजिए मैम। अच्छा, आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ क्या नहीं, मैं क्या बताऊँ मैम, मुझे बहुत शर्म आती है मैम मुझे बताने में। आप लोगों के बीच मैं जो आया हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है मैम, लेकिन जब आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा, मजबूरी में मुझे बताना पड़ेगा मैम। सबसे पहले है कि मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूँ, मैं एक बहुत गरीब घर के हूँ और मेरी माँ बकरी चराती है और मैं भी बकरी चराया करता था। एक दिन की बात है कि मेरी माँ बकरी चराया करती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने एक रोज़ बोला, माँ तुम बकरी मत चराओ, मुझे चराने दो बकरी। तो मैंने बकरी चराना शुरू कर दिया और चराता था बकरी, और कभी कभी मेरी माँ भी बकरी चराया करती थी। और एक दिन की बात है कि एक आदमी आया और बहुत बहुत अच्छे आदमी थे। वह बोला, अरे भाई तुम इतने अच्छे, तुम गाना गाते हो, क्यों नहीं इंडियन आइडियल में एक बार ट्राई कर लेते हो। तो मैंने उस वक्त इंडियन आइडियल के बारे में कुछ नहीं जानता था, मुझे लगा कि यह आदमी मुझसे मजाक कर रहा है। आप लोग जान ही रहे हैं मैम, गाँव समाज में जब कोई आदमी कलाकारी क्षेत्र में जाएगा तो लोग उसे बहुत कमेंट करते हैं, बहुत हंसते हैं, कहते हैं कि यह एक पागल आदमी है। तो मैंने सोचा कि यह मुझे उल्लू बना रहा है, मुझे पागल बना रहा है, लेकिन मैं गांव के रहने वाला हूं। लेकिन वो बोला एक बार और, अरे भाई तुम बहुत अच्छे गाते हो, क्यों नहीं तुम इंडियन आइडल में एक बार जाकर ट्राई करता है, ऑडिशन जाकर दो, सीजन 2014 चल रहा है। तो मैंने इस चीज़ को फिर परखा, समझा, तो बहुत अच्छा लगा मैम। तो मैं आप लोगों के बीच ऑडिशन देने आया हूँ और मैं मुंबई सीधे आया, और यहाँ पर जब मैं मुंबई आया तो मुझे सब आदमी एक ही शक्ल में नज़र आने लगा, क्योंकि मैं एक गांव के रहने वाला हूँ और मुंबई इतना बड़ा शहर है। जब मैंने कुछ नहीं बुझाया तो मैंने कुछ काम धंधा करने के लिए सोचने लगा, और माँ बोलती थी, बेटे तुम कैसे हो। मैं तो काम करता था और फिर भी मैं अपनी माँ का बोलता था कि माँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और बहुत अच्छे से रह रहा हूँ मैम, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं जब आया तो मेरी माँ के लिए मैं एक आप लोगों के बीच गाना गाऊंगा जो मेरी माँ सुन रही होगी, तो बहुत अच्छा लगेगा सर। यही बात है कि मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ, प्लीज मुझे एक बार मौका दीजिए, और भाई लोग आप लोग मुझे वीडियो को शेयर कीजिए, एक एक व्यूज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। क्या गाना गाने वाले हैं? मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ सर, बहुत दर्द भरी गाना है सर। आज ये जो गाना सुनेंगे वो भी रो पड़ेंगे सर, आप लोग भी इस गाने को सुनकर सर रो पड़िएगा सर, पूरे देश रो पड़ेगा सर। प्लीज सर मेरे वीडियो को
आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा सर, पूरे हिंदुस्तान रोएगा सर। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते हैं। ओके सर, कम ऑन ब्रदर, गुड लक। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। आपकी परफॉर्मेंस में हर वो कठिनाई सुनाई दी जिसने आपको ताकत दी है। एक लड़की में, एक इतने कम उम्र की लड़की में इतना हिम्मत है, आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जब भी ये गाना कोई गाता है तो मुझे, मेरे भाई की याद आ जाती है। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में
जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है सनी? तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो।